फ्रेंड्स, फिर से आपका मिनी ब्लॉग में स्वागत है गाइस। जिंदगी करवट पता नहीं, जिंदगी हमारी बहुत आपके साथ गुजर रही है जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाओ और कुछ था भी नहीं घर में कुछ बनाने के लिए। तो फिर जैसे ही मैं खाना बनाना स्टार्ट की तो बस मेरा गैस ख़त्म हो गया। फिर गैस लाने के लिए किसी तरह से अरेंज हुआ तो फिर खाना काफ़ी लेट हो चुका था, 2 बज चुके थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आज जुमा भी था और बच्चे काफ़ी भूखे थे गाइस। तो फिर आखिर में मैं जल्दी से चावल चढ़ाया, और जैसे बिहार में हम लोग मार चावल बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चावल बनने के बाद यहाँ पर जैसे मेरे चावल हम लोग बनाते हैं, वो चावल बनने के बाद हम लोगों ने बच्चे यहाँ नमाज भी पढ़ के आ चुके थे और बहुत ज़रूर तुम लोग को भूख लगी थी। तो बस चावल मार चावल हम लोगों ने खाया और आज का खाना था दाल भात चोखा। गाइस, बहुत ही बुरी स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं अब इस टाइम पर, कुछ कह नहीं सकते। बट ज़िंदगी कब करवट ले लेती है दोस्तों, कुछ पता नहीं। राजा को रंक बनते देर नहीं लगता। तो बस मेरी आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि कभी भी पैसों का घमंड ना करें और जितना है उतना ही खुशी रखें। जितना भी है ऊपर वाले ने हम लोगों को दिया है उतना ही में खुशी इंसान को रखनी चाहिए। आज मुझे पता चला और बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही हूँ गाइस। आई होप आप लोग भी हमारे लिए दुआ करना और इंशाल्लाह ये भी टाइम ख़त्म हो जाएगा। अभी फ़िलहाल देखो बच्चे आ गए हैं नमाज़ पढ़ के और मार चावल मैं दे रही हूँ क्योंकि कुछ भी था नहीं घर पर। एक साइड दाल बना रही थी, दाल चावल चोखा आलू का चोखा, बट बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो मैंने यहाँ मार चावल ही दिया। और आज का मिनी ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ दोस्तों। अगर मिनी ब्लॉग अच्छा लगा है मेरा तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक शेयर कर देना। और ये था आज का हम लोग का खाना, मार चावल और सब्जी। तो बच्चे भी खा रहे हैं और मैं भी खा रही हूँ। और क्या ही मैं कहूँ, हमें बहुत बहुत ज़्यादा ही दुख होता है कि हम लोग अपने अच्छे दिन को संभाल के नहीं रखते और बुरे दिन आते देर नहीं लगते। इंशाल्लाह हमारे अच्छे दिन भी आएंगे और वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आलू का चोखा बना रही थी और दाल चावल चोखा भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है बिहार में। तो आज का खाना हम लोग का यही था और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। पर दुआ में रखना याद और हम लोग के लिए बहुत 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 दुआ करना गाइस। बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।